स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल पे एनीबडी कैन मिक्स में, जिसमें कि मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप अपने फ़ोन में मास्टरिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है, बहुत ही इजी है जो आज मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। पहले ये जान लेते हैं कि मास्टरिंग होता क्या है। मास्टरिंग एक्चुअली वो होता है जब आप वोकल का मिक्सिंग कर लेते हैं, म्यूज़िक का मिक्सिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद जब उसके आवाज़ को बढ़ाना होता है उसी को कहते हैं मास्टरिंग। ठीक है, तो आप नोटिस करते होंगे प्रोफेशनल गाना जो होता है उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप लोग के गाने का आवाज़ या हमारे गाने का आवाज़, नॉर्मली जो भी बिगिनर्स होते हैं उनके गाने का आवाज़ कम होता है। तो उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाता है, मास्टरिंग करके। तो एक क्लिक में आज मास्टर करना सिखाऊंगा, काफ़ी छोटा वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए हम लोग प्लस पे जाएंगे, टूल्स आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं टाइप कर देता हूँ, बस बगल में आएंगे, मास्टरिंग पे क्लिक करेंगे, अब करेंगे इंपोर्ट योर ट्रैक। तो मैं जिस गाने को अभी करने जा रहा हूँ मास्टर, उसका नाम है बसंती। मैंने पिछले वीडियो में भी बसंती पे ही वोकल मिक्स किया था। ठीक है, और जिसको भी मिक्सिंग का वीडियो देखना है मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ, उस पर आप क्लिक करके मिक्सिंग सीख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं मास्टरिंग कर रहा हूँ एक क्लिक में। बसंती गाना ज़रूर सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस गाने का। बसंती पे गए, ये देखिए मास्टरिंग हो गया। पहले ओरिजिनल वाला सुनते कैसा था। देखिए कम था आवाज़, अब मास्टरिंग पे जाएंगे, देखिए मास्टर्ड अपने कर दिया ये। आप नोटिस कर रहे होंगे आवाज़ काफ़ी बढ़ चुका है। हाँ, आपको अगर कुछ और अलग तरीके का मास्टरिंग करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन, आपको यहाँ चार ऑप्शन है, यूनिवर्सल, फायर, क्लैरिटी, टेप। क्लैरिटी जो है इसमें आवाज़ और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा रहता है, सुन के देखिए। है ना, ये थोड़ा क्लियर रहता है, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा कट कर देता है ये लोग। ठीक है, यूनिवर्सल में क्या होता है, ये नॉर्मल मतलब आप क्या बोलते हैं, कोई भी ऑडियो उसमें डालोगे तो वो अच्छा ही साउंड करेगा, इसमें फटेगा नहीं। ठीक है, हाँ फट सकता है किस केस में, अगर आप मिक्सिंग गलत किए होंगे तो। ठीक है, मिक्सिंग में किसी चीज़ का आवाज़ आप ज़्यादा कर दिए होंगे उसके वजह से वो फटेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको मिक्सिंग में ठीक करना है, फिर उसको एक्सपोर्ट करना है, फिर यहाँ ला के उसको रेंडर करके मास्टर करना है। चलिए ऐसे ही आवाज़ गाने का बढ़ता है। चलिए हम लोग अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, फायर वाला। देखिए इसमें बेस बढ़ा दिया है, यह भी अच्छा लग रहा है, ये बहुत क्रिस्पी है टेप वाला, तो चारों ही अपने जगह पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था, और अगले बार जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ संडे को, आई नो आज का वीडियो काफ़ी छोटा है, एक्चुअली बहुत खूबसूरत चीज़ मेरे को ये दिखा कि एक क्लिक में इतना अच्छे से कोई गाने को मास्टर कर सकता है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि बैंडलैब में ऐसा फीचर भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में मैं ये लाने वाला हूँ कि सुर में कैसे लाया जाए, सिंगर को सुर में कैसे लाया जाए, उसको ऑटो ट्यून कैसे किया जाए। तो वीडियो में बने रहिएगा, अगले संडे का वेट कीजिए, अगले संडे मैं लाने वाला हूँ ऑटो ट्यून पर वीडियो।